रुकेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कल हरियाणा में कल बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। जी हां, पेट्रोल पंप जो हैं वो कल बंद रहेंगे, 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। आपको बता दें पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का ऐलान यहां पर, हरियाणा में कल बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे के लिए ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे। तो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ऐलान किया है अपनी मांगों को लेकर, तो हरियाणा में कल बंद रहेंगे 24 घंटे के लिए ये जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ऐलान किया है अपनी मांगों को लेकर, इन्होंने ये ऐलान किया है कि हरियाणा में कल 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का यहाँ पर ऐलान, हरियाणा में कल बंद रहेंगे 24 घंटे के लिए जो पेट्रोलियम बंद यहाँ पर रहेंगे, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ऐलान किया है इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कल 24 घंटे के लिए जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिसका ऐलान किया गया है 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो हरियाणा में कल बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। तो हरियाणा में ही ये पेट्रोल पंप जो है वो कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा अपनी मांगों को लेकर। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा बैठक कर यह फैसला लिया गया है और फैसले के मुताबिक हरियाणा में कल अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। तारीख की हड़ताल रखी सर हमने, सभी ने एक दिन की 24 घंटे की जो है ना हड़ताल रखी है। लगभग 130 पेट्रोल पंप हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये जो एक तो बायोडीजल के नाम पर नकली तेल बिक रहा है उसको बंद करवाने के लिए, दूसरा जो वेट कम किया उस पर लगभग झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 6.5 करोड़ का डीलरों को नुकसान हुआ है सीधा के अंदर, उसकी भरपाई की जाए। 2017 से आज तक हमारा कोई भी कमीशन नहीं बढ़ा है, उसमें हम चाहते हैं भी कोई कमीशन भी बढ़ाया जाए हमारे, उसका सरकार इस पर ध्यान दे। सर देखिए, जो ये हड़ताल है हरियाणा को, ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है, और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ, और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं, और लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना, मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करने पड़ रही है। ये हमारी बेसिकली 4 प्रमुख मांगे हैं, और AHPDA ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक कॉल की गई है, जो कि सोमवार 15 तारीख को है। इसमें 4 मांगों के अंदर सबसे पहली मांग है कि जो ये नकली डीजल बेस ऑयल जो होता है, जो नकली डीजल है, और इसको बायोडीजल के नाम पे बहुत सेल किया जा रहा है। सेकंड हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है कि जो वैट है वो बाकी राज्यों, जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं उनके बराबर किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो एक्साइज ड्यूटी का भार एकदम से सभी डीलरों पर डाला गया है, जिससे कि जो छोटे डीलर हैं वो फाइनेंशियली टूट गए हैं, उसके ऊपर भी सरकार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। चौथी मांग के अंदर हमारी है कि जो हमारा 2017 से डीलर कमीशन नहीं बढ़ा है, उस डीलर कमीशन की तरफ ध्यान दिया जाए, जबकि रेट तब से लेकर अब तक काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन हमारे डीलर कमीशन पे